हॉलमार्क वाले जो गोल्ड और गहने हैं वो नहीं बिक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। उपभोक्ता मामले विभाग का उपभोक्ता हित में ये एक बड़ा फैसला आया है और हॉलमार्क के लिए जो है वो सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। ये इस पूरे मामले में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, 31 मार्च 2023 बिना हॉलमार्क वाले जो गोल्ड है, गहने हैं, वो अब नहीं बिक पाएंगे। जरा पूरी खबर पहले हम अपडेट के साथ दीजिए। बिल्कुल, उपभोक्ता हित में एक बड़ा फैसला लिया उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने और स्पष्ट कहा है कि 1 अप्रैल के बाद यानी कि 31 मार्च तक जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसके साथ तो बिक सकते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष के बाद बिना हॉलमार्क यानी कि HUID अल्फा न्यूमेरिक जो HUID सिस्टम है उसके बिना कोई भी सोना या फिर सोने के गहने नहीं बेचे जा सकेंगे। और ये फैसला आज जो है उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है और ये स्पष्ट किया है कि BIS जिस तरीके से लगातार इसको लेकर एक्शन कर रहा है और BIS के जो लैब्स हैं, BIS सर्टिफाइड जो लैब्स हैं, वो देश भर में उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि उपभोक्ता को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो हॉलमार्किंग से लेकर हो या फिर हॉलमार्किंग को लेकर जो उपजा हुआ कंफ्यूजन है उसको लेकर हो। अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले जब ये हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू की गई थी तब ये व्यवस्था थी कि एक UHID होगी और दूसरा 4 डिजिट का जो हॉलमार्किंग था यानी कि जो छोटे सोनार थे, छोटे जो गोल्ड ज्वेलर्स थे, उनको एक व्यवस्था दी गई थी कि तब तक उनके पास जो सोना है या फिर गोल्ड ज्वेलरी है उसको वो एक सर्टिफिकेशन दे के बेच सकेंगे। अब साफ तौर पर उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ HUID वाले गहने ही बेचे जा सकेंगे, इसके अलावा बाकी किसी भी गहने या फिर सोने पर की बिक्री जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी और अगर ऐसा किया जाता है तो BIS के एक्ट के अनुसार उस पर जो भी सजा का प्रावधान है उसके हिसाब से वो लाइबल होंगे जो भी सुनार या फिर ज्वेलर इसको बेचते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है, उपभोक्ता के हित में एक बड़ी खबर है। शादियों का सीजन आ चुका है और जिस तरीके से लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं ऐसे में हॉलमार्किंग को लेकर इस तरीके का जो फैसला है जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता के हित में एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये उपभोक्ता के हित में एक बड़ा कदम जरूर है। जैसा आप बता रहे हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद हॉलमार्क के बिना जो गोल्ड है और जो गहने हैं वो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन जो विक्रेता है, छोटे विक्रेता, बड़े विक्रेता, चलिए बड़े विक्रेता इस पर अपना अपनी तैयारी के तौर पर शायद वो सक्षम हो, छोटे विक्रेता क्या तैयार है इसके लिए? जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कहती है, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है अमरीश? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सेंटर है वो और बढ़ाए जाएंगे, क्या अभी फिलहाल काफी हैं सेंटर हॉलमार्किंग के लिए? देखिए बिल्कुल, जब से ये व्यवस्था लागू की गई थी एक सर्टेन टाइम दिया गया था, मतलब जब पहली बार ये व्यवस्था शुरू की गई थी ये कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सबको इस तरह की व्यवस्था को मानना होगा, लेकिन उसको बीच बीच में लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और अब जबकि सबसे एक सहमति बना ली गई है, ये स्पष्ट कह दिया गया कि इस समय के बाद यानी कि 31 मार्च के बाद इस व्यवस्था को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बार बार व्यवस्था को एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो उसमें हमने पिछली बार भी एक खबर दिखाई थी जी बिजनेस पे जहां पे स्पष्ट तौर पर यह देखा गया था कि हॉलमार्किंग के नाम पर किस तरह से नकली सेंटर्स हैं, किस तरह से खराब क्वालिटी के सोने को भी हॉलमार्क करके बेचा जा रहा था जो कि ज्वेलर्स की एक मिली भगत थी। इसी को रोकने के लिए और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि 2 तरीके की हॉलमार्किंग है या नहीं है, स्पष्ट किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा कि सिर्फ 1 तरीके की हॉलमार्किंग होगी जो कि अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट का हॉलमार्क होगा, इसके अलावा और कोई हॉलमार्किंग लागू नहीं होगी और जो भी गहने या फिर सोना बेचा जाएगा उस पर हॉलमार्क ही होगा। जो सरकार का दावा है वो ये साफ कहता है कि अभी लगभग हर जो जिले या फिर सेंटर्स हैं उन पर इतना फुटफॉल नहीं है, यानी कि सेंटर पर्याप्त मात्रा में है और जितनी उनकी क्षमता है उस पूरी क्षमता से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। इसका मतलब है, साफ है कि जितना भी हॉलमार्किंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त है, बावजूद इसके सरकार इसको और बढ़ाएगी आने वाले सालों में। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी खबर ये कि 31 मार्च 2023 ये वो तारीख है जिसके बाद बिना हॉलमार्किंग वाले गहने गोल्ड अब नहीं बिक पाएंगे। उपभोक्ता मामले विभाग का उपभोक्ता के हित में बड़ा फैसला, और पूरी जानकारी देने के लिए अमरीश फिलहाल धन्यवाद आपका करेंगे।